हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 और एक बेहद इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहा गया है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, कुछ पार्ट फिक्स है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो यहां पे जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट है, वो जहां खाना खाते हैं उसको मेस बोलते हैं। अब जो हॉस्टल चार्जेस है उसमें कुछ तो फिक्स है और कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने दिन आपने वहां पे खाना खाया है। अब यहां होता है कि व्हेन ए स्टूडेंट है टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 डेज फूड जब उसने लिया, 20 दिनों के लिए खाना जब उसने खाया, शी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। वेयर एज ए स्टूडेंट बी Who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो हमें ये बताना है कि fixed charge क्या है और cost of food per day क्या है। तो ये question है। तो पहले बच्चों काफी interesting question है। अब आप इसके सॉल्यूशन में अगर देखें कि इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया फाइंड दी फिक्स्ड चार्ज। तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल दैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे दैट इज रुपीज वन। तो हमने क्या मान लिया कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो एक्स रुपीज है और जो पर डे फूड की जो कॉस्ट है वो वाई रुपीज है। अब इसको प्यारे बच्चों समझते हैं। मान लो जो किसी हॉस्टल में जो फिक्स्ड चार्ज है वो 500 रुपीज है, 500 रुपीज फिक्स्ड चार्ज है, ये फिक्स्ड चार्ज है और ₹50 ये है पर डे फूड कॉस्ट। एक दिन का खाना खाने का खर्चा ₹50 है। अब मान लो किसी बच्चे ने 7 डेज वहां पे खाना खाया तो उसका कितना खर्चा बनेगा, 500 तो फिक्स है, ये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 1 डे के कितने लगते हैं 50, तो 7 डे के कितने लगेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये 500 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 50 तो ये 350 आ जाएगा, तो ये ₹850 हो गए। अगर किसी ने 10 डेज खाना खाया तो 500 तो उसके फिक्स है, प्लस एक दिन के कितने लग रहे हैं ₹50, तो 10 डेज के कितने हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 500 ये फिक्स और ये भी 500, यानी कि ये किसका हो जाएगा पर डे के हिसाब से उसके खाने का खर्चा हो जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ सिचुएशन है। अब आप इसको देखो, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्टूडेंट ने टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 डेज उसने खाना खाया और उसको कितने रुपए खर्चा आ गया, 1000 रुपीज।
अब फिक्स्ड चार्ज हमारा एक्स है और पर डे की वाई है, तो 20 डेज के कितने लगे हो गए, एक्स तो फिक्स, वन डे की वाई है तो 20 डेज के 20 वाई हो जाएंगे, ये टोटल चार्ज आ गया उसका, कितने आए हैं 1000, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1000 के, तो यहाँ पे लिख देंगे फिक्स चार्ज x और 20 डेज का वाई रूपीज के हिसाब से 20y, ये टोटल कर दिया तो हॉस्टल चार्ज आ गया उसका, ये कितना है 1000, ये कंडीशन वन आ गई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगली बार क्या है 26 डे है, तो फिक्स चार्ज तो उसका x हो गया, वन डे की वाई है तो 26 के तो 26y हो जाएंगे, अब की बार वह कितना है 1180, ये सेकंड हो गया। अब हमारे पास अपेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर ये कहें कि टू लीनियर इक्वेशन आ गई और इसको हम सोल्व कर देंगे इजिली आप इसको, क्योंकि एक्सरसाइज 3.5 हम कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की एक्सरसाइज है तो उसी से करें, क्योंकि उसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी आपको जैसे अगर किसी टेस्ट में किसी एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पे आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से क्योंकि 3.5 एक्सरसाइज है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की एक्सरसाइज है, अदरवाइज किसी भी मेथड से जो आपको ठीक लगे उस मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं सिर्फ आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के यहाँ पे दूंगा और आपको सोल्व वो खुद करनी है, क्योंकि हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर पार्ट सेकंड की बात की जाए, फोर्थ के सेकंड पार्ट की, तो इसमें कहा गया है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन एट इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। यहां पे क्या कहा गया है कि कोई फ्रैक्शन है, तो अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसमें कुछ ना कुछ न्यूमरेटर भी होगा और कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर भी होगा। तो हम एक्स न्यूमरेटर मान लेते हैं और वाई डिनोमिनेटर मान लेते हैं। इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम लिख लेते हैं कि लेट एक्स बी द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, या फिर आपको राइट साइड में लिख रहे हैं तो और बेटर तरीके से लिख लेते हैं, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू वाई, देन फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय वाई। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन होगी। अब कंडीशन पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 बन जाती है फ्रैक्शन
when one is subtracted from the numerator and it becomes, ये भी यही तक है, यहां तक एक बात पूरी हो जाती है कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या थी, x by y, तो ये जो x y y है ये 1/3 बन जाएगी, यानी कि 1/3 के इक्वल हो जाएगी। कब? When one is subtracted from the numerator, जब numerator में से one subtract कर देते हैं, तो numerator x है, इसमें से one subtract कर दिया, denominator में कुछ नहीं करना। तो ये जो पहले फ्रैक्शन थी, अगर इसके numerator में से one subtract कर दे और denominator को as it is रहने दे, तो ये हमारे पास 1/3 हो जाते, तो 1/3 के इक्वल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3x-3 दैट इज इक्वल टू y, इसको भी कर लिया है 3x-y-3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई, क्योंकि कॉन्स्टेंट पार्ट को भी इधर ही रख लेते हैं हम, क्योंकि हम किससे करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करेंगे, तो यहां से y इधर आके माइनस का y आ गया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगली बार क्या है, इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 हो जाएगी, कौन हो जाएगी 1/4, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, x by y, ये क्या हो जाएगी 1/4। कब? When 8 is added to the denominator, जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं, तो डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, तो जब हमने फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया तो ये 1/4 हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4x दैट इज इक्वल टू y प्लस 8, इधर ले आए 4x-y-8 दैट इज 0। सेकंड टू लीनियर इक्वेशंस आ गई हमें हमारे पास, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो बिल्कुल इजी पार्ट ये हो गया हमारे पास पार्ट सेकंड। आगे बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, आपको भी सॉल्व करना ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप इनको सोल्व करेंगे, सभी पार्ट की हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर आप उसको सोल्व करेंगे, इससे क्या होगा आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर लिया गया है, थर्ड पार्ट में, फोर्थ का थर्ड पार्ट, इसमें कहा गया है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स For each right answer and losing one mark for each wrong answer. Had 4 marks. Been awarded for each correct answer. And 2 marks been deducted for each incorrect answer. Then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test?
how many questions were there in the test. तो एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ जाती है फिर आपका सारा काम हो जाता है. इसकी स्टेटमेंट समझते हैं. इसमें कहा गया है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स. उसने 40 मार्क्स लिए इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. 3 मार्क्स राइट आंसर के मिल रहे हैं उसको एंड लूजिंग 1 मार्क उसका कट भी रहा है. किसके लिए? रोंग आंसर की वजह से. अगर उसको 4 मार्क्स मिलते राइट आंसर के लिए, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच राइट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकोरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स कटते उसके इनकोरेक्ट आंसर के, देन यश वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स. तब उसके मार्क्स होते 50. हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट. तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन है अब देखोगे. यश ने एक तो केस ये है कि 40 मार्क्स आए हैं उसके, कब? जब उसने, जब उसे करेक्ट मार्क, करेक्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिले. 3 मार्क्स यहां पे जो करेक्ट आंसर है उसके, और इनकरेक्ट के 1 मार्क कट गया, यानी कि -1 लिखते हैं. कटे ना कटने के नाम का यानी कि -1 लिखते हैं. और उसके मार्क्स आते हैं इसी तरह से, उसके मार्क्स आते हैं 50 मार्क्स आते हैं, कब? जब करेक्ट आंसर के उसको 4 मार्क्स मिले और इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स कट जाए, यानी कि -2. ये सिचुएशन है. अब यहां से एक बात तो क्लियर होगी कि यश ने कुछ क्वेश्चन तो करेक्ट किए और कुछ क्वेश्चन इनकरेक्ट किए. तो यहां पे हम क्या लिखते हैं इसके सॉल्यूशन में? लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गिवन बाय यश एक्स मार्क मीन्स नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गिवन बाय यश, यानी कि उसने एक्स क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए. उसने क्या किया? एक्स क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए. और एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर गिवन बाय यश, ये हमने वाई मान लिया. मीन्स जो इनकरेक्ट आंसर है उनके, उसने कितने क्वेश्चंस के इनकरेक्ट आंसर दिए? वाई क्वेश्चंस के. हमें बताना क्या है? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट, देन टोटल क्वेश्चन इन द टेस्ट. ये जो आंसर दिए हैं क्वेश्चंस के तो दिए हैं. एक्स आंसर उसने एक्स क्वेश्चन के दिए, वाई आंसर वाई क्वेश्चन के दिए. एक्स उसके करेक्ट है और वाई उसके रोंग है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? एक्स प्लस वाई. तो यहां पे एक्स प्लस वाई हो गए. यहां पे वैसे एक बात और आनी चाहिए कि यहां क्लियर कर देना चाहिए कि उसने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, लेफ्ट नहीं किया, सभी के आंसर दिए है उसने. अब यहां से एक्यूरेट क्वेश्चन, उसने एक्स करेक्ट आंसर दिए,
ए करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो एक्स करेक्ट आंसर के 3x मार्क्स मिल जाएंगे। उसने वाई इन करेक्ट आंसर दिए, वाई ए इन करेक्ट आंसर का 1 मार्क्स कट रहा है तो वाई इन करेक्ट 1 की माइनस 1 के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगी, यानी कि इतने कट जाएंगे तो ये माइनस का आएगा, ध्यान रखिए माइनस का आएगा क्योंकि कटेंगे ये मार्क्स, लेकिन इसके टोटल मार्क्स कितने हैं 40, यानी कि किसके इक्वल है ये 40। कंडीशन 1 दोबारा समझते हैं, मान लो उसने 15, मान लो उसने 15 तो करेक्ट आंसर दिए और 10 इनकोरेक्ट, तो 15 के 3 के हिसाब से 45 मार्क्स आ गए और 10 के 1 मार्क्स की कट रहे हैं तो 1 के हिसाब से 10 मार्क्स कटेंगे नहीं इसमें से, तो 45 में से 10 कट जाएंगे, 45 में से 10 कटेंगे तो इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, तो जब इसमें से माइनस करेंगे हम तो 45 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 35। तो अब देखो x उसके करेक्ट है 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3x लिख दिया, y इनकरेक्ट है 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 बड़े, लेकिन ये तो कटेंगे, कटेंगे ऐसे नेगेटिव लगा रखा है, ये इंडिकेशन किसके लिए भी मार्क्स कटेंगे डिडक्ट होंगे, तो यहां से माइनस के वाई होगा दैट इज इक्वल टू 40। अब दूसरी कंडीशन है, अगर उसके करेक्ट के 4 मार्क्स मिलते, करेक्ट है उसके x तो मार्क्स आ गए 4x। अगेन पूरा लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं शॉर्ट पर लिख रहा था, पूरा लिख दें इसको, और अगर रोंग आंसर के इनकरेक्ट आंसर के 2 कटते हैं, y है इनकरेक्ट तो 2y हो जाएगा, यानी कि माइनस के 2y, तब उसके मार्क्स आते हैं 50। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई, तो दो कंडीशन हमारे पास बन गई और इनको हम सोल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, हम इनको सोल्व कर देंगे। उसके लिए पहले हम इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व कर देंगे। अब एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास पार्ट 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। फोर्थ पार्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, one car start from a and another from b at the same time if the cars travel in the same direction, at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel 2 hours each other, they meet in 1 hour.
what are the speeds of two cars? What are the speed of the two cars? तो काफी इंटरेस्टिंग और एक एप्लीकेशन बेस्ड आपके डेली लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. इसमें क्या कहा गया है कि कोई हाईवे है, इस तरह से कोई हाईवे है हाईवे पे एक कार तो ए पे है और दूसरी कार बी पे है. टू प्लेसेस है ए और बी और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, यानी कि यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है. ये बात अभी तक यहां पे हमें समझ में आती है. जैसे कि उसने बताया है, अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट को. प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. एक हाईवे पे प्लेसेस ए और बी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है. वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार यहां से स्टार्ट है, अनदर फ्रॉम बी, बी एट द सेम टाइम पे स्टार्ट होती है. इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, सेम डायरेक्शन में कार चल रही है तो ए इस डायरेक्शन में चल रही है तो ए पे जो कार है वो अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो बी पे जो कार है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है. अगर ए पे कार इस डायरेक्शन में चल रही है तो बी पे भी कार इसी डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि सेम डायरेक्शन पे दोनों कार्स चल रही है. तो क्या होता है कि डिफरेंट स्पीड पे दे मीट, तो वो दोनों कार है जो दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे में मिलती है, यानी कि 5 घंटे चलने के बाद वो मिल जाती है. कार ए यहां से शुरू हुई, इधर चल दी, कार बी इधर चल दी, कहीं 5 घंटे के बाद जाके वो मान लो यहां पे आके मिल जाती है. यहां पे दोनों कार, कार ए भी और कार जो कार ए पे थी वो भी और जो कार बी पे थी वो भी, दोनों आके मिल जाती है. एक बात उसके बाद कहा है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चले, ए इधर और बी पे जो कार है वो इधर, इधर और इधर, तो क्या होता है, दे मीट इन 1 आवर, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी यहां पे आगे, मतलब कहीं भी मिल सकती है, मान लो यहां पे मिल गई तो 1 आवर के बाद वो मिल जाती है. व्हाट आर दी स्पीड ऑफ द टू कार, तो टू कार्स की जो स्पीड है वो हमें बतानी है. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों. तो यहां से अगर इसकी सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्या करते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार एट ए इज एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर का मतलब एक्स किलोमीटर चलेगी 1 आवर में. इसी तरह से एंड स्पीड ऑफ कार एट बी दैट इज वाई किलोमीटर पर, ये हमने मान लिया. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से हम लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट ए इन 5 आवर्स कितनी होगी. डिस्टेंस का फॉर्मूला
स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब जब कार ए पे जो कार है वो एक्स किलोमीटर चलती है वन आवर में, तो फाइव आवर में कितने चले, फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगी। स्पीड है उसकी एक्स मल्टीप्लाइड बाय फाइव, यानी कि फाइव एक्स किलोमीटर। इसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट बी इन फाइव आवर्स, ये क्या हुआ, बी पे है जो कार उसकी वाई स्पीड है और फाइव आवर में ये फाइव वाई किलोमीटर। देन अब यहां से समझने वाली बात है, जो ए पे कार थी वो फाइव आवर के बाद चल के यहां पहुंची, इस जगह पर पहुंची, और जो बी पे कार थी वो फाइव आवर के बाद चल के यहां पहुंची, दोनों मिल गई। तो सीधी सी बात है, देखो ए तो बी से 100 किलोमीटर पीछे थी क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ए तो बी से 100 किलोमीटर पीछे थी और फाइव आवर के बाद दोनों मिल गई, तो ए ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, ए ज्यादा दूरी तक चली, बी ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की। अब ए को बी से मिलने के लिए पहले तो ये 100 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, तो ये ए ने यहां से और यहां तक की डिस्टेंस, ये देखो आगे वाले तो सेम है दोनों, यहां तक की तो सेम है आगे वाले, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की, और ये कितनी है दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, तो 100 एक्स्ट्रा ट्रेवल की। अब ए ने डिस्टेंस ट्रेवल की 5x और बी ने 5y, तो जो 5x है वो 5y से 100 किलोमीटर ज्यादा है। देखो ये जो डिस्टेंस है ये तो है 5x और ये जो डिस्टेंस है वो है 5y। अब ये जो 5x है ये इतनी ज्यादा है, ये कितनी 100 किलोमीटर, तो 5x में जो 5 माइनस करें तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, डिवाइड कर दो 5 से तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है। यहां पे थोड़ा सा आपको अगर इस डायग्राम से समझोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसके बिना थोड़ा समझना मुश्किल रहेगा। दोबारा से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन के हिसाब से, अब की बात आया कि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन ओपोजिट डायरेक्शन में चली है, ए तो इधर चली तो बी इधर चली, ओपोजिट डायरेक्शन में चली है। अब ए ने और वो एक घंटे के बाद मिल गई, मान लो यहां पे मिल गई, तो ए ने जो ए पे कार है उसने एक घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, उसकी स्पीड ही कितनी है एक्स किलोमीटर पर आवर, यानी कि वन आवर में एक्स किलोमीटर, तो एक घंटे में यानी कि वन आवर में जो कार ए पे है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की एक्स किलोमीटर, और जो कार बी पे है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वाई किलोमीटर, तो इसने और ये दोनों मिल गए एक घंटे के बाद, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई, ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो एक्स किलोमीटर, और जो बी ने डिस्टेंस ट्रेवल की इसी डायरेक्शन में वो वाई किलोमीटर, क्योंकि दोनों मिल गए, तो देखो ये सारी डिस्टेंस कवर होगी पूरी की पूरी, और ये तो कितनी थी 100 किलोमीटर थी, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया 100 के, तो एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, रिपीट करता हूं। देखो यहां पे ये एक कार ए पे है और एक कार बी पे है, ये 100 किलोमीटर है। अब कार ए ने, कार ए की स्पीड है एक्स किलोमीटर, एक्स किलोमीटर पर आवर, तो वन आवर में वो एक्स किलोमीटर से कवर कर दिए, तो मान लो ये यहां पे पहुंच गई, यहां से यहां तक ये एक्स किलोमीटर हो गया एक्स किलोमीटर, और कार बी की स्पीड वाई किलोमीटर है, तो ये वन आवर में वाई किलोमीटर पहुंचेगी, और ये बता दिया कि एक दूसरे की दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं या एक दूसरे की तरफ चलते हैं, देखो एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट ही हो जाएगी ना, वो उधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, ईच अदर टू आर सी अदर, या फिर ये कहें कि एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो जब ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं
तो वो एक घंटे के बाद मिल जाती है, तो मिलेगी तो तब तक यहां से वाई बी बी पे जो कार है वो यहां पहुंची होगी, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी वाई किलोमीटर, ये सारी कवर होगी, ये तो कितनी थी 100, यानी कि एक्स प्लस वाई कितनी होगी 100, तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन होगी। अब इन दोनों को आप सोल्व करोगे और आंसर तक पहुंचोगे। तो ये हो गया पहले बच्चों हमारे पास पार्ट 4। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 2 यूनिट, द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हम एक रफ प्लॉट कर लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास यहां पे हमें एक रेक्टेंगल रफ प्लॉट कर लेते हैं और इसकी लेंथ को मान लेते हैं x और ब्रेथ को मान लेते हैं y। तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज x यूनिट एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज y यूनिट्स, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है y, तो ये एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये होगा। अब जो कंडीशन है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन है, इसमें कहा गया है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, एरिया है जो वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। If its length is reduced by 5 unit, length को 5 unit reduce कर रहे हैं, and breadth is increased by 3 unit, length को reduce करना है। If its length is reduced by 5 unit,
एट ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 मिनट। अब देखो पहले तो लेंथ को 5 मिनट रिड्यूस करो, लेंथ x है तो इसको 5 मिनट रिड्यूस करते हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा, और ब्रेथ को 3 मिनट इंक्रीज करेंगे तो ब्रेथ हमारे पास y है, इसको 3 मिनट इंक्रीज करेंगे तो y प्लस 3 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, नई लेंथ की नई विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया एरिया आ जाएगा। अब इस एरिया के बारे में क्या होता है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड, कम हो गया ये जो एरिया आया ये कम हो गया किससे, पहले जो एरिया था, पहले एरिया क्या था एक्स वाई, ये वाला कम हो गया, कितना कम हो गया रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, ये वाला 9 कम है इससे, ये वाला इससे 9 कम है, तो अगर मैं इसमें 9 प्लस कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस आपको ये समझना है कि ये वाला जो नया एरिया बना है ये पुराने वाले से 9 रिड्यूस्ड है, गेट रिड्यूस्ड बाय 9, 9 स्क्वायर यूनिट कम है, तो मैं अगर इसमें 9 प्लस कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करो एक्स की वाई के साथ, एक्स वाई प्लस 3x, किसके इसके साथ माइनस 5 की वाई के साथ माइनस 5y, माइनस 5 की 3 के साथ माइनस की 15, और प्लस 9 दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, ये एक्स वाई इसके साथ कट गया, हमारे पास आ गया 3x माइनस 5y और माइनस के 15 और प्लस के 9 तो माइनस के 6 दैट इज 0। तो एक कंडीशन आ गई, एक और देखते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगली बार कहा गया कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ है x, उसको 3 यूनिट इंक्रीज कर दे तो x प्लस 3 हो गया, ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ है y, इसको 2 यूनिट इंक्रीज कर दे तो y प्लस 2 हो जाएगा, देन द एरिया जो है, देन द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया इंक्रीज हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया एरिया आ जाएगा, पुराना एरिया कितना था एक्स वाई, अब इंक्रीज कौन सा हो गया ये वाला, इससे 67 ज्यादा हो गया, तो 67 ज्यादा हो गया तो इसमें 67 प्लस कर दो तो इक्वल हो जाएंगे, या इसमें से 67 माइनस कर दो तो भी इक्वल आ जाएंगे, दोनों दोनों बातें ठीक है, यहां पे 67 माइनस कर सकते हो, इधर करोगे तो 67 प्लस करोगे। अभी देखो एक्स वाई प्लस 2x, इसके साथ करेंगे तो 3y, 3 की 2 के साथ करेंगे तो 6, x की y के साथ एक्स वाई, एक्स की 2 के साथ 2x, 3 की y के साथ 3y, 3 की 2 के साथ 6, और एक्स वाई प्लस 67, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एक्स वाई, ये 67 भी इधर ले आओ, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0, यहां पर लिख देते हैं 2x, यहां पर लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0, तो ये सेकंड कंडीशन आ गई हमारे पास, तो ये दो कंडीशन होगी हमारे पास, इन दोनों कंडीशन से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप जो डायमेंशन है, डायमेंशन मीन्स उसकी लेंथ और विड्थ है, वो फाइंड कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, मान लो आप लेंथ और ब्रेथ आ गई तो आप एरिया मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाएगा, फिर आप करेंगे कि जो क्या किया आपने, फिर लेंथ को 5 मिनट रिड्यूस कर दे, ब्रेथ को इंक्रीज कर दे 3 मिनट, तो जो नई लेंथ और ब्रेथ बनी है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो नया एरिया आएगा, तो वो 9 कम आएगा, 9 लेस होगा पहले वाले का, इस तरह से आप अपने आंसर की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो फिर बच्चों यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 3.5 वो कंप्लीट हो जाती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।